यूपीएटीएस की हिरासत में सीमा हैदर, पूछताछ में पाकिस्तानी सेना का कनेक्शन आया सामने। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ लाजमी है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ करेंगी। देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है और गुप्त स्थान पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस के रडार पर थी। वह नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और पता चला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। सीमा से अभी भारत की सुरक्षा एजेंसी पूछताछ करेगी। प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है, इसके आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ लाजमी है, इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसी उससे पूछताछ करेंगी। सीमा और सचिन मीना 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद फिर 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत में आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है। वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा था। हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया गया था और अब फिर से यूपी एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।